Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. Ji to main hu Dr. Syed Hashim Bukhari and we have started our lectures on microbiology and today is our 17th lecture. And of course, I have to remind you that these lectures are based on very basic knowledge for pharmacy students. Matlab ye ke ye jo hamare lectures hain ye basically pharmacy students ke liye hain, but of course medical beginners also can listen these lectures and make their microbiology concept strong. यहाँ पर यहाँ पर मेडिकल बिगनर्स से मुराद ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी MBBS में एडमिशन लिया है या फिर ऐसे स्टूडेंट्स MBBS के जिनकी अभी माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो इन लेक्चर्स को सुनकर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. देखते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था. आवर प्रीवियस लेक्चर वॉज अबाउट ICTV क्लासिफिकेशन. ICTV क्लासिफिकेशन को अगर आपने नहीं सुना या फिर आप इसको दोबारा से सुनना चाहते हैं, दोबारा से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, देन यू विल फाइंड द लिंक फॉर दिस लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ICTV क्लासिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा. आप वहां से जाकर इसको दोबारा से देख सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट्स आवर टुडेज टॉपिक. देखते हैं आज का टॉपिक हमने जो कवर करना है वो क्या है. आज का हमारा टॉपिक है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन. बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन फॉर वायरसेस इज आवर टुडेज टॉपिक. बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बाय डूइंग दिस यू आर सपोर्टिंग मी एंड ऑफ कोर्स यू आर हैविंग अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. जी तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन क्या है. द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन इज द नोबेल प्राइज विनिंग बायोलॉजिस्ट नेम्स डेविड बाल्टीमोर डिवाइज्ड द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम. ये एक नोबेल प्राइज विनर थे, ये एक बायोलॉजिस्ट थे जो कि नोबेल प्राइज विनर थे और इनका नाम था डेविड बाल्टीमोर. इन्होंने सबसे पहले बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिवाइज किया था. अब ये डिवाइज का मतलब क्या है. डिवाइज का मतलब होता है इजाद करना या फिर कोई नई चीज या कोई नई शक लाना. तो यहां पर डिवाइज का मतलब आएगा इजाद करना. द सेकेंड पॉइंट इज द ICTV क्लासिफिकेशन सिस्टम इज यूज इन कंजंक्शन विद द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम इन मॉडर्न वायरस क्लासिफिकेशन. यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में या इस कोट में आपको ये बताया जा रहा है कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन इन मॉडर्न वायरस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन और ICTV क्लासिफिकेशन दोनों को मिलाकर बयान किया जाता है. कंजंक्शन का मतलब होता है मिलाकर या जोड़कर. अब देख लेते हैं जी द नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन इज बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन फर्स्ट डिफाइंड इन 1971 इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट प्लेसेस वायरसेस इनटू 7 ग्रुप्स. जी तो ये बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन जो कि 1971 में पहली बार बयान की गई इज अ क्लासिफिकेशन. ये वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि वायरसेस को 7 ग्रुप्स में रखती है, 7 ग्रुप्स में डिवाइड करती है. अब देख लेते हैं इसके बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के वो 7 ग्रुप्स. द फर्स्ट ग्रुप या फिर ग्रुप 1 वायरसेस पोजेस डबल स्ट्रैंडेड DNA. जो ग्रुप 1 वायरसेस हैं वो डबल स्ट्रैंडेड DNA पोजेस करते हैं. यहां पर पोजेस का मतलब होता है रखना या फिर काबिज होना, यानी कि ग्रुप 1 वायरसेस डबल स्ट्रैंडेड DNA रखते हैं या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA पर काबिज होते हैं. इसके अंदर आ जाते हैं जी एडिनो वायरसेस, उसके बाद ये इसकी एग्जांपल्स हैं हर्पेस वायरसेस एंड पॉक्स वायरसेस. देखते हैं जी ग्रुप 2 क्या है. ग्रुप 2 वायरसेस पोजेस सिंगल स्ट्रैंडेड DNA. तो ये ग्रुप 2 जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA रखता है. इसकी एग्जांपल में आ जाता है पार्वोवायरस. अच्छा, अब ये जो दो ग्रुप्स हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ये हैं DNA वायरसेस. ये दो जो ग्रुप हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के ये इसके अंदर DNA वायरसेस के अंदर आ जाएंगे. अब देख लेते हैं ग्रुप 3. These viruses possess double-stranded RNA genome.
ये जो वायरसेस हैं ग्रुप थ्री के, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोटा वायरस, दीज जीनोम्स आर ऑलवेज सेगमेंटेड. ये जो जीनोम्स होते हैं ये हमेशा सेगमेंटेड होते हैं, मतलब ये कि इनके पार्ट्स होते हैं अलग अलग से, ये अलग अलग होते हैं, साथ में मिले हुए नहीं होते. सेगमेंटेड का यही मतलब होता है. अब देख लेते हैं ग्रुप फोर. These viruses possess positive sense single stranded RNA genome. ये जो viruses हैं ये single stranded RNA genome रखते हैं, positive single strand, positive sense single stranded RNA genome रखते हैं. Many well known viruses are found in this group, including यानी कि ये जितने भी नीचे viruses आ रहे हैं ये सब के सब इस group के member हैं, group 4 के, ठीक है. जिनके अंदर पहला मेंबर है पिकोरना वायरस. अब ये पिकोरना वायरस जो है, विच इज अ फैमिली ऑफ वायरसेस दैट इंक्लूड्स वेल नोन वायरसेस लाइक, ये जो पिकोरना वायरस है इसके अंदर जो वायरसेस पाए जाते हैं, जो इसके अंदर वायरसेस शामिल होते हैं, इंक्लूड का मतलब शामिल होते हैं, वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं. हेमरायरस ए वायरस, इंटरो वायरस, राइनो वायरस, पोलियो वायरस एंड फुट एंड माउथ वायरस. ये जो जितने भी ये वायरसेस हैं ये सब के सब किसके अंदर आते हैं, ये है पिकोरना वायरस के. उसके अलावा सार्स वायरस, SARS, सार्स वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, येलो फीवर वायरस एंड रुबेला वायरस, ये सब के सब आ जाते हैं ग्रुप फोर में. देखते हैं अब ग्रुप फाइव. These viruses possess negative sense single stranded RNA genomes. ये जो viruses हैं ये negative sense single stranded RNA genome रखते हैं. The deadly Ebola and Marburg. ये जो Ebola और Marburg viruses हैं are well known members of this group. ये इस group 5 के well known members हैं, Ebola and Marburg. अलॉन्ग विद इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी कि इनके साथ साथ इबोला और मरबर्ग के अलावा जो वायरसेस इस ग्रुप फाइव में आते हैं वो कौन कौन से हैं. इन्फ्लुएंजा वायरस, मीजल्स, मम्प्स एंड रेबीज, ये वायरसेस भी किनके किस में आ जाएंगे, ग्रुप फाइव में. अब ये जो ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर एंड ग्रुप फाइव जो वायरसेस हैं ये सब के सब ये कौन से हैं, ये आर एन ए वायरसेस हैं. हमने जो देखा था ग्रुप वन एंड ग्रुप टू वो थे डीएनए वायरसेस. ये ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर एंड ग्रुप फाइव ये आ जाएंगे आरएनए वायरसेस में. नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रुप सिक्स. ग्रुप सिक्स क्या है, दीज वायरसेस पोजेस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम्स. ये जो ग्रुप सिक्स में जो वायरसेस होंगे वो रखते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम्स एंड रिप्लिकेट यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो ये यूज करते हैं, जब ये रिप्लीकेट करते हैं इनके जीनोम्स जब रिप्लीकेट करते हैं तो ये यूज करते हैं एक पाथवे जिसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसकी पूरी तरह एक्सप्लेनेशन कर दी है, आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी, जो मेरा ख्याल है कि काफी हद तक आसान है. द रेट्रो वायरसेज आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप. ये जो रेट्रो वायरस है ये ग्रुप सिक्स का मेंबर है, आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ऑफ विच एच आई वी इज अ मेंबर. यानी कि ये जो रेट्रो वायरसेज है ये इसका मेंबर कौन सा है, एच आई वी. एच आई वी इज अ मेंबर ऑफ रेट्रो वायरस एंड रेट्रो वायरस इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप सिक्स. इट वुड बी ईजी. अब देख लेते हैं जी द लास्ट वन, ग्रुप सेवन. ग्रुप सेवन क्या है, दीज वायरसेस पोजेस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स. ये जो ग्रुप सेवन है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स रखते हैं एंड रिप्लिकेट यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ये भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो पाथवे है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, आप वहां से जाकर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मैंने वाकई इजी अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया है. आई होप यू'ड लाइक दैट. द हेपेटाइटिस बी वायरस कैन बी फाउंड इन दिस ग्रुप. तो ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो इस ग्रुप सेवन का मेंबर हो सकता है.
Now, group 6 and group 7 are reverse transcribing viruses. Yaad rakhiye, group 1 and group 2 was DNA viruses. Group 3, group 4, group 5 was RNA viruses. And group 6 and group 7 are reverse transcribing virus. अब देख लेते हैं our today's possible question. आज का हमारा जो possible question है वो कौन सा होगा? Complete note on Baltimore classification. Complete note लिखें जी Baltimore classification पर. So this was my today's video. I hope you like it. And if you like it or you find it helpful for you, then please make sure to like, share and subscribe my channel. उसके अलावा आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा. आप उस वेबसाइट को लाजमी चेकआउट कीजिएगा. वहां पर आपको बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल डिस्कशंस और डिजीजेज मिल जाएंगी. डिजीजेज इस तरह के, उसकी डेफिनेशन, कॉजेज, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस और हर चीज़ आपको मिल जाएगी. ट्रीटमेंट भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.